हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के रियल फैक्ट में। दोस्तों, आप सभी ने नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए टोल प्लाजा जरूर देखा होगा। टोल प्लाजा में कार, बस, ट्रक और जितनी भी बड़ी गाड़ियां होती हैं, इन सब से टोल टैक्स जरूर लिया जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जो दो पहिया वाहन होते हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, इनसे टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे इन जानकारी के बारे में रूबरू कराना चाहते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सड़क पर दो पहियों का टोल टैक्स न लगने का पहला कारण है इन गाड़ियों का वजन। दो पहिया वाहनों का वजन बड़ी गाड़ियों की तुलना में काफी छोटा होता है, जिस कारण रोड पर इनका वजन भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम बाइक या स्कूटर पर ज्यादा सामान भी रख नहीं पाते हैं। इन छोटे वाहनों की वजन से रोड खराब भी नहीं होती, यही कारण है कि इन्हें टोल मुक्त रखा गया है। दोस्तों, दो पहिया वाहन के चालक की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती। बता दें, जितनी भी यात्रा का तरीका है या परिवहन के साधन, उनमें दोपहिया वाहन को सबसे निचले स्तर के वाहनों में रखा गया है। आपने अभी तक ये सुना होगा कि अमीर लोग हमेशा कार में सफर करते हैं, जबकि गरीब या कमजोर वर्ग दोपहिया वाहन का ही इस्तेमाल करता है। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, लेकिन यही वजह है कि जिस वजह से सरकार भी इसे टोल टैक्स नहीं लेती है। दोस्तों, टोल टैक्स न लगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण रोड को कवर करना है। गौरतलब है कि देश में लंबी दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अक्सर बड़े वाहन, कार, बस, ट्रक का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 1000-2000 या उससे ज्यादा की दूरी के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल होता है, जो देश के विभिन्न टोल टैक्स से होकर गुजरते हैं। जबकि बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि दोपहिया वाहन एक से ज्यादा टोल को कवर करे, इसलिए दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। दोस्तों, दोपहिया वाहन का आकार और स्थान भी टोल टैक्स न लगने का सबसे बड़ा कारण है। आपने गौर किया होगा कि बड़े वाहन, कार, ट्रक, बस आदि अलग अलग साइज और स्थान वाले होते हैं, यही कारण है कि इनका टोल टैक्स चार्ज अलग अलग होता है, जबकि दोपहिया वाहन का साइज इन सबसे छोटा होता है, इस वजह से भी इन्हें टोल मुक्त रखा गया है। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि टोल टैक्स बड़े वाहनों का ही क्यों लगता है। तो दोस्तों, दरअसल बड़े वाहनों से इसलिए टोल टैक्स लिया जाता है क्योंकि जो भी नेशनल हाईवे बनाया गया है, उसे बनाने में जितना खर्च आया है, उसे कवर करने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। दूसरा कारण ये है कि जो रोड पर गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का वजन अधिक होता है और इन्हीं कारणों से कई बार रोड डैमेज भी हो जाते हैं, इनकी मरम्मत के लिए आपसे टोल टैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपके अनुसार सरकार द्वारा सड़क पर लगाया गया टोल टैक्स क्या बहुत ही जरूरी है? क्या इसे हमें टोल टैक्स को देना जरूरी होता है? यदि आपके अनुसार से यह टोल टैक्स बहुत ही खराब नियम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल आर के रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।